हुआ कैसे? वाह क्या बात है भाई, सही बताया था तुमने, 2 महीने नहीं हुए हमारी शादी को और बाहर रख गया। अरे यश तू आ बैठना। अरे हमारा पड़ोसी है, बैठ बैठ। कैसे आना हो गया वैसे? अरे कुछ नहीं यार, बहुत दिनों से तुमसे मिला नहीं था ना, और वैसे भी शादी के बाद तो तुमसे कहीं मिलना हो पाया, तो इसलिए आज आ गया मिलने। अरे वो तेरी भाभी के साथ मुंबई घूमने गया था। अच्छा वैसे भाभी चाय कॉफी कुछ मिलेगी? जी जरूर लाती हूँ। भाई सुन, तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, बहुत जरूरी बात है। हाँ बोल, क्या हुआ? यार ये भाभी ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि भाई तुम दोनों की शादी वादी तो ठीक चल रही है ना? हाँ सब सही है, पर तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? यार तुझे बताते हुए तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने ना भाभी को मेरे पड़ोसी के घर जाते हुए देखा था, और वो लड़का एकदम अकेला रहता है अपने घर पे, और जब भी तू ऑफिस जाता है ना, भाभी चुपचाप इस घर से निकल के उसके घर चली जाती है। और मैंने तो ये भी सुना है कि 2 साल पहले उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो इसलिए वो बिल्कुल अकेला है। मैंने सोचा कि तुझे बात बता दूं, लेकिन अब तो क्या ही रहा कि तुम दोनों के बीच में सब ठीक चल रहा है, तो हो सकता है कि मुझे शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। यश तू सच बोल रहा है ना? अरे नहीं यार, मेरी और तेरी बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुझसे शेयर कर लूं, लेकिन हो सकता है कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। छोड़ना, तू जाने दे, इग्नोर कर मेरी बात को। हमारी शादी को 2 महीने से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन ऐसे किसी आदमी के बारे में जिक्र नहीं हुआ मेरे घर पे। अगर कुछ होता तो मुझे बता देती, इसे छुपाती क्यों? अरे यार अफेयर के बारे में कोई क्यों बताएगा तुझे, और वैसे भी तुम दोनों की अभी अभी नई नई शादी हुई है, क्या पता वो इसलिए तुझे ना बता रही है ताकि तुम दोनों की शादी टूट ना जाए। अंकिता चाय बन गई हो तो आ जाओ। वैसे डायरेक्ट बात करके पूछो क्या? तुम दोनों की बातें मुझे क्यों फंसा रहे बीच में? एक काम करियो, मैं चले जाऊंगा ना, तब बात करियो आराम से। शुक्रिया भाभी जी। अच्छा मेरे लिए बनाइए। अच्छा बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। अच्छा सुन भाई, मैं चलता हूँ। चाय तो पी ले भाई। अरे नहीं नहीं, चाय तो बाद में पीऊंगा। शुक्रिया भाभी जी, थोड़ा काम याद आ गया। बड़े अजीब है भैया, चाय भी नहीं पी के गए। अंकित एक बात करनी थी तुमसे, मतलब जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो तुम घर पे सब काम वाम करती हो, तो काम काम वाली बाई रख ले क्या हम? अरे नहीं बाबा, उसकी क्या जरूरत है, मुझे बाई नहीं चाहिए। नहीं मेरा मतलब जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो फिर तुम्हें इतना सारा काम करना पड़ता है, कपड़े बर्तन खाना भी बनाती हो, तो मैं कह रहा था कि बाई रख लें क्या हम? अरे मैं कर तो रही हूँ काम, और वैसे भी घर में है ही कितने लोग, तुम 2 तो ही है, और वैसे भी पापा जी मम्मी जी तो वैसे ही गाँव में है, तो मुझे जरूरत नहीं है बाई की। पापा जी मम्मी जी तो गाँव में है ना, इसलिए तेरे को मौका मिल गया पड़ोसी के घर जाने का। क्या तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, बस मैं ये बोल रहा था कि चाय ना ठंडी हो गई है। अरे मैं अभी गर्म करके ला। बेटे तुझे तो रंगे हाथों पकड़ूंगा मैं। ठीक है अभी फिर मैं चलता हूँ, पर हाँ सुनो मेरे कपड़े प्रेस कर देना, शाम को मीटिंग के लिए निकलना है, मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है भाई, बाय। हेलो, हाँ आप घर पे ही हो? मेरे पति चले गए हैं, मैं आ जाती हूँ। ठीक है। कोई बात नहीं भाई, तू हौसला रख, मुझे पता है तेरे लिए अभी ये सब सहन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर बात करेंगे भाभी से। क्या बात करेंगे उससे? शादी को 2 महीने नहीं हुए और किसी गैर मर्द के साथ, कसम से ये उम्मीद तो नहीं थी। अरेंज मैरिज करी थी उससे, आजकल के जमाने में सब लोग लव मैरिज करते हैं, लेकिन मेरा ना मती मारी गई थी मेरी। दोस्तों ने बहुत समझाया था कि लव मैरिज कर ले, कौन करता है इस जमाने में अरेंज मैरिज। घर वालों ने फोटो दिखाई, देखने में भी अच्छी थी, और जितना मैंने सुन रखा था कि संस्कारी है, घर वालों का ख्याल रखती है, खाना बनाती है, तो मैंने सोचा इससे अच्छा पार्टनर कौन हो सकता है, तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। पता नहीं ये सब कब से चल रहा है, मुझे तो रोना आ रहा है यार।
अरे भाई तुम संभाल खुद को यार, ये सारी गलती मेरी है। तुम दोनों की शादी तो एकदम सही चल रही थी, मैंने बीच में आग लगा दी आके। मुझे चुप रहना चाहिए था, सॉरी यार, मुझे नहीं बोलना चाहिए था तुम दोनों के बीच में। अरे तेरी क्या गलती है इसमें, तुमने तो सच ही बताया मुझे, आज नहीं तो कल, पता तो चलना ही था सच्चाई का। आप यहाँ कैसे? वाह क्या बात है भाई, सही बताया था तुमने, 2 महीने नहीं हुए हमारी शादी को और बाहर फिर, क्या बात है, वो भी एक ऐसे मर्द से जिसकी 2 साल पहले बीवी मर चुकी है। नहीं भैया आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओ भाई साहब आप तो चुप ही रहो प्लीज, आपकी बीवी को मरे हुए 2 साल नहीं हुए ना, और ये सब हरकतें करते हो, शर्म तो आ नहीं रही होगी आपको। और वैसे भी इतना सब होने के बावजूद भी तुम दोनों कह रहे हो कि हम दोनों गलत समझ रहे हैं, यार कैसे लोग हो तुम दोनों। और प्रिंस तूने इस लड़की से शादी करी थी, इस लड़की से, ये तो ये भी बयान नहीं कर पा रही कि जो उसने करा है वो गलत करा है। भाई शायद ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, इससे शादी करना। क्या बोला था तेरे घर वालों ने कि हमारी बेटी तो बड़ी संस्कारी है, खाना बनाती है। अबे क्या करूंगा खाने का, प्यार भी होता है पति पत्नी के बीच। हाँ वो तो दिखावा कर ही रही थी तुम झूठा प्यार करने का। मैं बेचारा ऑफिस चला जाता था, पूरा दिन वहाँ काम में बिजी रहता था, और जैसे घर आओ मेरी बड़ी खातिरदारी होती थी, टाइम पे खाना, टाइम से कपड़े। मुझे लगता था यार कितनी संस्कारी बीवी मिली है मुझे, और मुझसे प्यार भी कितना करती है। और मुझे सच पता नहीं था ना तो मेरे जाने के बाद वो तो। फिर साहब मेरी बात तो सुनो, आप बहुत गलत समझ रहे हो सब, ऐसा कुछ नहीं है। अंकिता तुझे अभी भी ये लगता है कि मैं गलत समझ रहा हूँ, तुम्हें दिखता है सब कुछ। सच कहा था मेरे दोस्तों ने कि लव मैरिज कर ले, लेकिन मुझे तो अरेंज मैरिज करनी थी, क्योंकि तू पसंद जो आ गई थी मुझे। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू ये सब करने वाली है तो तेरे से शादी नहीं करता मैं, कोई अच्छी सी लड़की पसंद कर लेता और उससे शादी कर लेता, पछता रहा हूँ मैं तेरे से शादी करके। मुझे समझाने का मौका तो दो, ऐसा कुछ नहीं है। अंकिता प्लीज स्टॉप इट, मुझे कुछ नहीं सुनना, अब खुद एक्सप्लेन कर दे कब से चल रहा है तुम्हारा ये सब। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं आपको धोखा दूंगी, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, पर ऐसा शक। अरे यार प्रिंस क्यों तू उसकी बातों पे ध्यान दे रहा है, ये कुछ भी झूठ बोलते रहेगा तू मानता रहेगा क्या? मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, चल निकलते हैं यहाँ से, इसको डाइवोर्स देके खत्म कर बात को यहीं पे। और वैसे भी तेरी शादी को कितने महीने हुए थे, 2 ही ना, डाइवोर्स देके खत्म करना यार, तेरी उम्र ही कितनी हुई अभी, और जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं उस रिश्ते में रहने का फायदा ही क्या यार। तू एक काम कर दूसरी शादी कर ले। प्रिंस अगर आपको सच्चाई का नहीं पता ना तो प्लीज कुछ मत बोलो, और एक बार हमारी बात सुनो तो। आपने हमारी बात सुनी नहीं और अपने आप ही जज कर लिया। अंकिता मुझे सच जानना भी नहीं है, रहने दे तुम मत बता कुछ भी। ए बे भाई रुक जा, अगर इतना बोल ही रही है तो इनकी बात सुन ही लेते हैं। बोलिए भाभी आपको क्या कहना है? तुम्हें सच जानना है ना? आ गई बहन। जी भैया ये लीजिए आपके लिए खाना। अरे क्यों परेशान होती है, रोज खाना लाती है मेरे लिए। अरे तो क्या हो गया भैया, घर में हम है ही 2 लोग, तो मैं आपके लिए भी खाना बना देती हूँ। अरे बहन क्यों कष्ट करती है तो इतना? अरे इसमें क्या हो गया भैया, एक बहन अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? माना कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ, पर बहन तो बहन ही होती है ना। चलिए आप जल्दी से खाना खा लीजिए। लेकिन ये तो रोज रोज खाना लाती है, अब तेरे पति को पता लग गया तो? अरे तो इसमें क्या दिक्कत है, एक बहन अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? मैं बात कर लूंगी उनसे। आप ये बताइए आपकी तबीयत कब तक ठीक होगी, कि जो फ्रैक्चर हुआ है? डॉक्टर साहब ने बोला जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ठीक है भैया, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक खाना मैं ही बनाऊंगी। और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे। अंकिता मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था ये सब, वो गलती हो गई मुझसे। दूसरी शादी करने वाले थे ना, कोई बात नहीं कर लो तुम दूसरी शादी। वैसे भी जिस रिश्ते में भरोसा ही ना हो ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं। अंकिता क्या बोल रही हो ये, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं सब क्यों बोलता, मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रही हो। भाभी मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करता आपसे, मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ इसमें प्रिंस की भी कोई गलती नहीं है, मैंने इसे बोला था कि आपका कहीं और अफेयर चल रहा है, इसलिए इसने शायद मेरी बातों में आके ऐसे रिएक्ट कर दिया। प्लीज भाभी हम दोनों को माफ कर दीजिए, मेरी गलती की सजा प्रिंस को मत दीजिए। I'm sorry भैया, आपको मेरे कारण
इतना सब कुछ सुनना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी अंकिता, और सॉरी भैया, मुझे माफ कर देना, मैंने गलत जज कर लिया। और अंकिता प्लीज ऐसा मत बोलो कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो शक कर रहा था तुम पे। प्रिंस, अगर आपको मुझ पे शक भी था तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, पर आपने तो सीधा आके मुझ पे इल्जाम लगा दिया। अरे अगर आप ये सब सोच भी रहे थे तो एक बार मुझसे पूछते तो। और वैसे भी बिना किसी का सच जाने उस पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अंकिता मैं बस इतना बोल सकता हूँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर देना। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताओ, और यार शेयर बटन जल्दी से इसे दबा दो और शेयर कर दो वीडियो को, और लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, और हमारे पेज पे जो नए हैं पेज को फॉलो कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो लाइक शेयर कमेंट और फॉलो कर देना। लव यू ऑल।